सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और एकदम से मस्त होंगे। सो गाइस, फाइनली आपका भाई आ गया है ट्रेंडिंग भोजपुरी डीजे स्टेटस का ट्यूटोरियल लेकर, जो कि काफ़ी धमाकेदार और एकदम न्यू सेकीफे के साथ क्रिएट किया गया है। सो गाइस, इस वीडियो को आप लोगों को कैसा लगता है आप लोग प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए गाइस, पहले प्रीव्यू देख लेते हैं, फिर मैं उसका फुल ट्यूटोरियल बताऊँ स्टेप बाय स्टेप। लेट्स गो। सो ओके गाइस, अभी आपने जो प्रीवियस स्टेटस देखा, आपको यह प्रीवियस स्टेटस कैसा लगा वो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो गाइस, इस वीडियो को बनाने के लिए सबसे पहले तो एलाइट मोशन को इंस्टॉल कर लेना है। इसका लिंक आपको प्ले स्टोर पर भी देखने को मिल जाएगा सर्च करेंगे तो, या फिर मेरे टेलीग्राम पर भी पिन किया हुआ मिल जाएगा। देन आपको मेरे डिस्क्रिप्शन से सॉन्ग बीट मार्क जैक और सेकीफे को अपने एलाइट मोशन के अंदर इम्पोर्ट कर लेना है। तो गाइस, हमारे जो सॉन्ग बीट मार्क जैक कुछ इम्पोर्ट होने के बाद आपको स्टेप्स इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, इसके स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पर हमारे स्टार्टिंग में आप स्टेप से कुछ फर्स्ट वाला लेयर देखने को मिलेगा। इसको इस तरह से होल्ड प्रेस करना एंड यहाँ पे प्लस वाला कन पे क्लिक करके कॉपी लेयर कर लेना। ठीक है, यहाँ पे मेरा दो लेयर सेलेक्ट हो गया, तो सबसे पहले मैं इसे बैक होके एक लेयर को यहाँ पे सेलेक्ट लेता हूँ। कॉपी लेयर सेलेक्ट करने के बाद एंड नेक्स्ट फिट पे आना, यहाँ पे प्लस वाला कन पे क्लिक करके पेस्ट लेयर कर देना है। ठीक है, सो गाइस, इसी तरह से वन बाई वन करके आपको क्या करना है कि इस लेयर को पेस्ट करते चलना है, जैसे कि मैं पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इसी टाइप से आप भी पेस्ट कर देना। तो गाइस, इसे हम लोग तब तक पेस्ट करेंगे जहाँ तक हमारा ये पीछे वाला बैकग्राउंड है। ठीक है, ये हमारा बैकग्राउंड जो देखने को मिल रहा है, तो जहाँ तक हमारा बैकग्राउंड दिया हुआ है वहाँ तक हम इसे पेस्ट करेंगे। तो गाइस देख सकते हो, यहाँ पे 9 पॉइंट यहाँ पे 2 सेकंड तक मैंने यहाँ पे पेस्ट किया एंड यहाँ पे हमारा स्टेप से एक लेयर भी देखने को मिल गया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इन सभी लेयर्स पे 9x60 के रेशियो में फोटोज़ को ऐड करना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ से हो जाएंगे सिंपली बैक एंड प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके 9x60 का रेशियो सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देंगे। देन आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके मीडिया में चले जाना है और आपका जिस भी फाइल में फोटो होगा उस फाइल को सिलेक्ट करके सिंपली फोटो को यहाँ पर ले लेना है एंड प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे ऐड कर देना है। ठीक है, उसके बाद 3 डॉट पर क्लिक करके इसे फिल कंपोजिशन एरिया पर सेट कर देना है। फिर यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे करंट फ्रेम एस PNG पे क्लिक करके एक्सपोर्ट कर देंगे। सो गाइस, इसी तरह से हम लोग कुछ फोटोज़ को 9x60 के उसमें क्रॉप कर लेते हैं। ठीक है, देन आपको यहाँ से फिर से सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, इसके स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पे हमारा जो लेयर देखने को मिलेगा, ठीक है, इस लेयर पे क्लिक करना, कलर एंड फिल के ऑप्शन में जाने के बाद स्टार वाला ऑप्शन पे क्लिक करना एंड गाइस जिस फाइल में फोटो होगा उस फाइल को सिलेक्ट कर लेना है, सिंपली उस फोटो को यहाँ पे ऐड कर देना है। तो गाइस देख सकते हो, हमारा फोटो यहाँ पे सिंपली स्टेप से ऐड हो गया। तो गाइस यहाँ पे इसी टाइप से हमारे जितना भी लेयर्स हैं, इन सभी लेयर्स पे फोटोज़ को करते हैं ऐड और थोड़ा सा वीडियो कर देते हैं स्किप। सो गाइस, यहाँ तक फोटोज़ को ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली 10.2 सेकंड पे आना है एंड यहाँ पे प्लस वाला आइकन क्लिक करके मीडिया में जाके उस फाइल को सिलेक्ट करिएगा जिस फाइल में आपका फिर से फोटो होगा। ठीक है, एंड यहाँ से आपको क्या करना है, सिलेक्ट करने के बाद सिंपली हमारा जो फोटो है उस फोटो को सिंपली हम लोग यहाँ से सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे 3 डॉट पर क्लिक करके इसे फिल कंपोजिशन एरिया पर सेट कर देंगे। देन गाइस नेक्स्ट फिट पैक इसके एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देंगे। तो ठीक है, इसी प्रोसेस को करते हुए आपको फोटोज़ को ऐड करते हुए आगे आना है। देन गाइस जब आगे आओगे तो आपको स्टेप से लेयर देखने को मिलेगा, इस पर भी सिंपली 9x60 के रेशियो में फोटोज़ को क्रॉप करके ऐड कर देना एंड आगे हमारा कुछ इस टाइप से 2 लेयर्स देखने को मिलेंगे। सिंपली इन दोनों लेयर्स को यहाँ पे क्लिक यहाँ पे क्लिक करके कॉपी 2 लेयर कर लेना है एंड यहाँ पे गाइस 18.12 सेकंड पे आ जाना, यानी उसके बाद वाले लेयर बीट पे एंड यहाँ पे आपको सिंपली उन दोनों लेयर्स को पेस्ट कर देना है। तो भाई यहाँ पे बस यहाँ पे एक बार पेस्ट करोगे तो यहाँ पे फिर से ये अप्लाई हो जाएगा एंड उसके बाद हमारे यहाँ पे 20 पॉइंट देख सकते हो 3 सेकंड पे हमारा जो है 20.2 सेकंड पे डबल बिट मार्क देखने को मिलेगा। सो गाइस यहाँ पे हमें सिंपली एक वीडियो क्लिप को ऐड करना है, उस वीडियो क्लिप को लिंक आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा और आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ठीक है, उस वीडियो क्लिप को आप डाउनलोड कर लेना। तो गाइस मैं अपना वीडियो क्लिप भी यहाँ से ले लेता हूँ, तो मैं सबसे पहले अपने फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड गाइस यहाँ पे देख सकते हो हमारा वीडियो क्लिप यहाँ पे रेडी है। ठीक है, इस वीडियो क्लिप को मैं इस तरह से ले लूँगा एंड होल्ड प्रेस करके इसको आपको स्क्रॉल करके नीचे ले आना है। ठीक है, नीचे यहाँ पे हमें ले आना है, आपको सॉन्ग बिट मार्क के इसे ऊपर रख के इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, तो गाइस इस पर देख सकते हो हमारा जो इफेक्ट है इस पर अप्लाई हो जाएगा इस टाइप से।
ठीक है। तो इसी तरह से आपको भी इफेक्ट को इस पर, जैसे ही सॉन्ग बिट मार्क जो है सॉन्ग उसके ऊपर आप ले आओगे तो आपका इस पर इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। देन गाइस आपको फिर लास्ट वाला डबल बिट मार्क पे आना है, एंड यहाँ पे आने के बाद सिंपली इसी तरह से फोटोज़ को यहाँ से लेकर लास्ट तक जितने भी बिट्स है उस पर ऐड करके फिल कंपोजिशन एरिया पे सेट कर देना है, ठीक है। तो चलिए इसको भी करते हैं ऐड और थोड़ा सा वीडियो कर देते हैं स्किप। सो गाइस सारे फोटोज़ को ऐड करने के बाद आपको यहाँ से हो जाना है बैक, एंड गाइस आपको क्या करना है कि सेक इफेक्ट में अंदर आ जाना है, ठीक है। हमारे जो सेक इफेक्ट मैंने आपको दिया है उस सेक इफेक्ट के अंदर आना, एंड यहाँ पे जो फर्स्ट वाला इफेक्ट है सिंपली इस पर क्लिक करना, एंड इफेक्ट में आने के बाद थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है। कॉपी इफेक्ट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ से बैक हो जाना है, एंड आपको सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है, ठीक है। एंड गाइस हम लोग का जो आपको यहाँ पे 10.2 सेकंड पे फोटो देखने को मिला होगा, सिंपली इस फोटो पे क्लिक करना, एंड इफेक्ट में जाने के बाद थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है, ठीक है। एंड गाइस वन बाय वन करके हमें सारे फोटोज़ पे यही वाले इफेक्ट को अप्लाई करना है, फर्स्ट वाले इफेक्ट को, ठीक है। तो गाइस हम लोग तब तक अप्लाई करेंगे जब तक हमारा नेक्स्ट डबल बिट मार्क या कोई लेयर देखने को नहीं मिल जाता, ठीक है। तब तक हम लोग यही वाला इफेक्ट को अप्लाई करेंगे। तो चलिए वन बाय वन करके इसी तरह सारे फोटोज़ पे हम लोग इफेक्ट को अप्लाई करते हैं और थोड़ा सा वीडियो कर देते हैं स्किप। एंड गाइस फर्स्ट वाले इफेक्ट को अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ से हो जाना बैक, एंड अपने सेक इफेक्ट के अंदर आ जाना है, ठीक है। हमारा जो सेक इफेक्ट हुआ वहाँ पे हम लोग अंदर रह जाते हैं, एंड आपको जो सेकंड वाला इफेक्ट है इसको अभी आपको यहाँ से कॉपी इफेक्ट कर लेना है। कॉपी इफेक्ट करने के बाद आपको फिर से सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है, एंड गाइस स्क्रॉल करके लास्ट में आ जाना है, ठीक है। लास्ट वाला हम लोग का डबल बीट मार्क देखने को मिला था, ये आपको जो वीडियो क्लिप ऐड किया था, वीडियो क्लिप के बाद यहाँ पे हमको 28.5 सेकंड पे डबल बीट मार्क देखने को मिला होगा। सिंपली इस फोटो पे क्लिक करके इफेक्ट में चले जाना है और यहाँ पे सेकंड वाले इफेक्ट को अप्लाई कर लेना है, ठीक है। और यहाँ से लेकर हम लोग को लास्ट तक यहाँ पे जितने भी फोटोज़ देखने को मिलेंगे सब पे वन बाय वन करके हमें सेकंड वाला इफेक्ट को अप्लाई कर देना है। देन गाइस जब सारे फोटोज़ पे ये वाले इफेक्ट को अप्लाई कर दोगे तो आपका स्टेटस बन के रेडी हो जाएगा, आपको सिंपली वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। सो गाइस आज की वीडियो को आप लोगों कैसे लगे आप लोग प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गाइस आपका भाई ऐसे एडिटिंग हमेशा लेके आते रहता है। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।